नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस में फिजिक्स पार्ट 28 को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प सुनिए, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों सही कथन है, ठीक है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की, दोस्तों यह सही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की। अगला ऑप्शन है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, दोस्तों यह भी सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, दोस्तों यह भी सही है, ठीक है। यानी दोस्तों आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दोस्तों दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की, दोस्तों यह भी सही है। अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल ने की, दोस्तों यह भी सही है, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन सी है गामा किरणों की खोज बिलार्ड ने की, दोस्तों यह भी सही है दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों तीनों सही है, यानी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों की खोज दोस्तों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज दोस्तों रिटन ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है यक्ष किरण की खोज किसने की, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यक्ष किरण की खोज दोस्तों रॉन्टजन ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दोस्तों गोताखोरों के सिलेंडर में दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जल से भरे ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब गलेगा तो पानी के स्तर में क्या होगा, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दोस्तों समान रहेगा, ठीक है। जब दोस्तों जैसे ये ग्लास है दोस्तों, इसमें दोस्तों जल का स्तर इतना है, जब दोस्तों इसमें रखा बर्फ दोस्तों जब गलेगा तब भी दोस्तों इसका स्तर समान ही रहेगा, ठीक है, इससे न ज्यादा होगा न कम ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्गन गैस जो होती है बिजली के बल्ब के अंदर भरी रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर का ताप कितने सेंटीग्रेड होता है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 36.9 सेंटीग्रेड, ठीक है। यदि दोस्तों आपसे फॉरेनहाइट में दोस्तों मानव शरीर का टेम्परेचर पूछा जाए तब दोस्तों वह 98.6 फॉरेनहाइट होगा, ठीक है, फॉरेनहाइट में पूछा जाए। तब यदि दोस्तों आपसे केल्विन में दोस्तों पूछा जाए तब दोस्तों 310 केल्विन दोस्तों होगा, ठीक है, केल्विन में दोस्तों 310 होगा, ठीक है।